आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी सर। क्या लोग सवार थे गाड़ी में आप? चार लोग। कहाँ से आप लोग? अजमल से आ रहे थे। से आए हैं। तुम लोग इधर क्या सिकंदरा जा रहे थे क्या? ये मत कीजिए। नेशनल हाईवे पर कार की छत सड़क पर और चारों टायर हवा में। हाईवे छोड़कर डिवाइडर पर पलट गई कार। जिस किसी ने इस हादसे को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कार की ये हालत देखकर हर किसी के मन में ये सवाल उठा कि आखिर गाड़ी में सवार लोगों के साथ क्या हुआ होगा। ये वीडियो औरैया का है जहां एक तेज रफ्तार कार नेशनल हाईवे पर बेकाबू हो गई। इतना ही नहीं, गाड़ी हाईवे पर बने डिवाइडर से टकराई और पलट गई। चश्मदीदों का कहना है कि गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में जा रही थी और अचानक तेज आवाज के साथ डिवाइडर से टकराई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक गाड़ी में बैठे लोग बचाने के लिए गुहार लगाने लगे। स्थानीय लोगों ने फौरन गाड़ी में सवार दो लोगों को बाहर निकाला। हालांकि गाड़ी की हालत देखकर पहली नजर में लगता है कि अंदर सवार लोगों को काफी चोटें आई होंगी, लेकिन कार सवारों की किस्मत अच्छी रही, दोनों लोग बच गए। इनमें से एक युवक के सिर पर चोटें आई हैं। करते हैं तो कैसे ये हादसा हुआ? जैसे हुआ हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी सर। क्या लोग सवार थे गाड़ी में आप? चार लोग। कहाँ से आप लोग? अजमल से आ रहे थे। अजमल से आए। तुम इधर सिकंदरा जा रहे थे क्या? ये मत कीजिए। सुना आपने, जो कार सवार इतने बड़े हादसे में बाल बाल बचा वो कितनी बेफिक्री से बता रहा है कि कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। साथ ही वो वीडियो बनाने के लिए भी मना करने लगा। पहली नजर में ऐसा मालूम होता है कि शायद कार में सवार ये युवक नशे की हालत में रहा होगा। एक बार फिर सुनिए हादसे पर क्या बोला कार सवार। तो कैसे ये हादसा हुआ? जैसे हुआ हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी सर। क्या लोग सवार थे गाड़ी में आप? चार लोग। कहाँ से आप लोग? अजमल से आ रहे थे। अजमल से आए। तुम सिकंदरा जा रहे थे क्या? ये मत कीजिए। कार सवार दोनों युवक कानपुर देहात के अजीतमल के रहने वाले हैं। ये हादसा औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के एसपी आवास के पास हुआ है। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। बहरहाल कार हादसे से सभी को सबक लेना चाहिए कि कहीं भी गाड़ी की रफ्तार बेकाबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि बड़ा हादसा होने के बाद भी जिंदगी सलामत रहे।